दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा नाम है अभिंशु और मेरे चैनल का नाम है आधुनिक प्रजापति ब्लॉग। तो अभी हम लोग दिखाने जा रहे हैं आपको कि हम लोग चौमिन का आज रेसिपी तैयार कर रहे हैं। और चौमिन उमिन बनाने वैसे ओरिजिनल में आता नहीं है हम लोग को, फिर भी बना रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो देख सकते हो अभी इसमें हम लोग बंधा गोभी, शिमला मिर्चाई ना और प्याज और लहसुन मिर्चाई सब का पेस्ट डाले हुए हैं और भूंज रहे हैं। और चौमिन देख सकते हो यहाँ रखा हुआ है इतना, और यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा रख दिए ताकि बनने के बाद ऊपर से देंगे। और यहाँ पे ये सब सॉस वूस लाए हैं, 10 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, बाकी सब मटेरियल सब लाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और आधी भी नहीं था, आधी मंगवाए। उसके बाद अजीनोमोटो जिसको बोला जाता है वो है इसमें। मैं खोल के दिखा देता हूँ आप लोग को, शायद आप लोग बहुत आदमी अजीनोमोटो के नाम से नहीं जानते हैं। देख सकते हो ये चीनी जो कि चौमिन में डालता है वो भी डालेंगे। पहले ये अच्छा से भूंजा जाए, उसके बाद इसके ऊपर चौमिन डालेंगे, फिर सॉस वूस डाल के सोया सॉस ये सब लेके आए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिए। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, भर भर के कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों चौमिन डाला गया है और चौमिन भुंजा रहा है। आप देखते हैं कि इसमें मैंने खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा लगता है। अभी तो फिलहाल इसको भूंज रहे हैं हम लोग और देखते हैं इसका स्वाद कैसा लगेगा। माफी चाहते हैं दोस्तों, हम ही वीडियो बना रहे हैं और पूजा ये क्या बोलता है चौमिन को भूंज रही थी और बीच बीच में हम भी मसाला वसाला डाल रहे थे तो जूत नहीं बन रहा था वीडियो बनाने में, इसीलिए नहीं बना पाए। आप लोग देख सकते हो चौमिन को हम लोग इधर सोया सॉस ये सब वगैरह, सोया सॉस था, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल दिए और बाकी ये सब सॉस सब आप लोग देख सकते हो ये सब डाले हैं। उसके बाद देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा आ गया और जो इससे सेंट आ रहा है ना वो एकदम चौमिन के जैसा ही आ रहा है। और अब कढ़ाई को हम लोग खाली करेंगे, इसको अच्छा से क्लियर करेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद अंडा बनाने की तैयारी करेंगे और फिर उसके बाद मिक्स करेंगे ये सब सबको एक साथ और मिला जुला कर फिर से बनाएंगे। और उसके बाद इस पर फिर से सॉस डालेंगे ऊपर में। ये कच्चा देखिए प्याज रखे हैं और बंधा गोभी रखे हैं। ये सब डालने के बाद फिर से एक बार टेस्ट करके हम देखेंगे, क्योंकि हमारे घर में पहली बार हम लोग बना रहे हैं चौमिन तो पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं। फिर भी जिस तरह का सेंट आ रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा बनेगा। अब देखते हैं कि कैसा बनता है। तो अब इसमें फिर से तेल डलाएगा, उसके बाद अंडा बनेगा इसमें। बस बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कीपिटा बहुत अच्छा जा रहे हैं। पूजा जी बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं चलाना नहीं, बहुत अच्छा गिराने के लिए भी बहुत अच्छा। पहली बार का एक्सपीरियंस है दोस्तों। चलो नमक तो जल्दी कर, हम नहीं चलेंगे। नमक उमक सब डला गया है, अब देखते हैं अंडा भी बन ही रहा है। उसके बाद सबको मिक्स करेंगे एक जगह, उसके बाद देखते हैं कि कैसा लगता है खाने में कैसा नहीं लगता है। हालांकि मेहनत तो बहुत कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि अच्छा बन जाए ताकि सबको मज़ा आए खाने में, बट पता नहीं क्या कैसा लगेगा कैसा नहीं, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। डाल दिया, ओला डालना जब मिलेगी तब थोड़ा हल्का और डाल देना। मिला, हाँ डाल दो, सूख गया। इसको मिला उसको डालूं पहले, फिर से सॉस डाल। चौमिन मिक्स करेगी पहले, उसके बाद हाँ पहले चौमिन मिक्स करना। कम आंच करके डाल दो ना, इतना हो जाएगा। सारा मटेरियल डाल दिए दोस्तों, अब देख रहे हैं चौमिन कैसा बन रहा है। सब्जी के जैसा कढ़ाई में तो ये लोग बना रही है, ये तो नियम नहीं है दोस्तों। उतना व्यवस्था हम लोग पास है, हल्का सा नमक दे दो। बट दोस्तों पता नहीं कैसा लगेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आशीर्वाद रहा, दुआ रहा तो चैनल मोनेटाइज बहुत जल्दी हो जाएगा।
ये तो सूट नहीं किया यहाँ पे, तो फिर भी बोल देते हैं। ये हल्का सा जा रहा है चौमीन का मसाला, डाल दीजिए नहीं। चलिए दोस्तों, अब इसको निकाला जाएगा फटाक से और खाया जाएगा, उसके बाद टेस्ट किया जाएगा। चलो निकाल दो, पूछो निकाल दो, ज्यादा नहीं पूछो, गिल गिल हो जाएगा। हमको क्वार्टर प्लेट दीजिएगा, देख सकते हो इतना ही छोटा प्लेट में बाजार में भी देता है क्वार्टर, हाफ, फुल, इस तरह का। और हमारे यहाँ भी देख सकते हो एकदम सेम टू सेम उसी तरह का लग रहा है, बट पता नहीं थोड़ा सा अगर गड़बड़ होगा भी तो नमक में हो सकता है कि होगा। देख सकते हैं जैसा भी बना, जो भी बना, देखो इसमें सुनो, अब इसको टेस्ट कराते हैं। माँ आओ तो खाएगा, आर्यन को टेस्ट कराते हैं, ये लोग खाएगा, देखता है, ये लोग देखेगा कि कैसा टेस्ट हुआ है। कैसा लग रहा है बाबू? अच्छा। अच्छा वाला साइन दो। ठीक लग रहा है ना? बोल तो रहा ठीक लगा, देखो ना। सान के खाना खट्टा लगे, ठीक लग रहा है? तो फाइनली दोस्तों पास हो गए हैं इसमें हम लोग। ये लोग तो बोल रहा है कि बहुत बढ़िया लग रहा है। दोस्तों एक बार हम भी टेस्ट कर लेते हैं कैसा लग रहा है। एक नंबर लग रहा है दोस्तों, जैसा बाजार में लगता है उससे भी काफी टेस्ट। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सच्चाई कर रहा हूँ। मेरा बाबू से पूछ लीजिए, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा बाबू से पूछ लीजिए। तो दोस्तों चौमीन बहुत टेस्टी बना, बहुत अच्छा लगा खाने में। अब इसमें जो बचा कुचा सबको खा के खत्म कर देंगे हम लोग। और जिन लोगों को लगता है कि मेरा चौमीन बहुत टेस्ट बना हो, हमसे बनवाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और आइएगा मेरे घर, हम आप लोगों को बना के खिलाएंगे। तो बहुत दिन बाद वीडियो भी आ रहा है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा मोमेंट हुआ था जिसके वजह से डिमोटिवेट हो गए थे, बस इसीलिए। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आप लोग प्यार दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों ठीक है, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।